विश्वेषाम् अदिति यज्ञानाम् विश्वेषाम् अदिति मानुषानाम् अग्नि देवानाम् अव आवृणान् सोमदैको भवतु जात वेदः। मंत्रार्थ विश्वेषाम् सभी यज्ञानाम् दानियों संगतिकर्ताओं में अदिति अविनाशी विश्वेषाम् सभी मानुषानाम मनुष्यों के अतिथि अतिथि देवानाम प्रकाशमानों का अवह रक्षक आवरणान समन्तात वर्ण करने वाले अग्नि अग्रणी प्रगतिशील जात वेदाह वेद को जानने वाले सुमृढ़ीक सुखी सुखी भवतु हो। भावार्थ दी धातु का अर्थ है छह होना, अतः दीति धातु का अर्थ है छह तथा अदिति अदिति का अर्थ हुआ अक्षय अविनाशी। अदिति का मुख्य अर्थ परमात्मा है। परमात्मा के सभी दिव्य गुण दिव्य शक्तियां भी अदिति अर्थात अक्षय अविनाशी हैं। यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द तथा उससे यज्ञ तथा यज्ञ नाम पद बने हैं। इसका अर्थ सत्कार संगति दान योग्य है। अत धातु का अर्थ है सतत गति करना, अतः अतिथि का अर्थ है सतत गतिशील निरंतर विचरण करने वाले विद्वान हमारे अतिथि होते हैं। जात वेद शब्द का अर्थ वेद को उत्पन्न करने वाले अथवा जानने वाले विद्वान माना जाता है। जात शब्द को जन धातु उत्पन्न होना उत्पन्न करना धातु से निष्पन्न मानने पर इसका अर्थ जन्म देने वाला उत्पन्न करने वाला होता है। जात शब्द को जा ज्या जानना अर्थ वाली धातु से उत्पन्न माने पर इसका अर्थ जानकार विद्वान होगा। वेद शब्द को विद जानना अर्थ वाली धातु से निष्पन्न माना जाता है। स्पष्टतः इसका अर्थ ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान के रूप में वेद ग्रंथ को भी माना जा सकता है। इस प्रकार जात वेद का अर्थ वेद को जानने वाले अथवा उत्पन्न करने वाले होगा। निरुक्त यज्ञा नाम यज्ञ धातु देव पूजा संगतिकरण दान करना। अदिति में ए उपसर्ग दी का अर्थ है होना। मानुषा नाम में मन धातु मनन करना विचार करना। अदिति में अत धातु सतत गमन करना। देवा नाम में देव धातु प्रकाश स्थिति आनंद प्रीति करना। आवरणान में आ उपसर्ग वे धातु का अर्थ वर्ण करना। अव का अर्थ रक्षा करना। सुम्र डीको में सुख उपसर्ग है। मृत धातु का अर्थ सुख होना। भवतु में भू धातु होना। जात वेदा में जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना विधि धातु का अर्थ जानना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 16-16 मंत्र। ओम विश्वेषाम अदिति यज्ञानाम विश्वेषाम अदिति मानुषाणाम अग्नि देवानाम अवह आवृणाना सुमृढ़ीको भवतु जात वेदा। विश्वेषाम सभी का या सभी में, ये दोनों अर्थ होंगे। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। षष्ठी बहुवचन है सब में और सब का, ये अर्थ इसमें होगा। अदिति ही अखंडनी अच्छा अविनाशी, जो खंडने धातु से अदित शब्द बनेगा। आ उपसर्ग का अर्थ निषेध है। उस खंडन का क्षय का निषेध करते हुए अदिति का अर्थ हो गया अक्षय अविनाशी अखंडनीय। विश्वेषाम अदिति यज्ञानाम, यज्ञानाम का मतलब यजनकर्ताओं का, यजनकर्ताओं में कहते हैं। तो विश्वेषाम यज्ञानाम अदिति, सभी यजनकर्ताओं में जो अदिति
अक्षय अविनाशी है, विश्वेशाम अतिथि मानुषाणाम, विश्वेशाम मानुषाणाम सभी मनुष्यों में वह अतिथि है, सभी जजनशीलों में जजनकर्ताओं में वह अदिति है, अक्षय अविनाशी। परमेश्वर जजन कर रहा है, अदिति अक्षय अविनाशी तो परमेश्वर ही है, शेष तो सब विनाशशील है। जजन हम लोग भी करते हैं, इसलिए जिया नाम बहुवचन में है, विश्व शाम सभी याजकों में, सभी यज्ञों में, सभी यजनकर्ताओं में। वह परमेश्वर अदिति है, अक्षय अविनाशी है। हम लोग भी यजन करते हैं, परंतु हम अदिति नहीं है, अक्षय अविनाशी नहीं है। हमारे में सभी यजनकर्ताओं में वही अक्षय अविनाशी है। और क्या है, विश्वेशाम मानुषाणाम अतिथि, सभी मनुष्यों में जो अतिथि है, निरंतर गतिशील है, अविराम है, कभी विराम नहीं करता। अग्नि ही देवानाम देवों में वो अग्नि है, अग्रणी है, जो देवजन है, दिव्य गुण संपन्न प्रकाशमान है, उनमें वह अग्नि अग्रणी है। अवह आवरणाना, अवह रक्षक, अवधातु का अर्थ रक्षा करना है, अवह का अर्थ हुआ रक्षक, रक्षा करने वाला। आवरणाना सम्यक समन्तात वर्णन करने वाले, द्विधातु वर्ण करना, आवरणाना वर्ण करने वाले, सुमृडी को, सु सुंदर उत्तम उपसर्ग है, मृड सुखने धातु है, सुख होना, सुख करना, सुमृडी को उत्तम सुख करने वाला, उत्तम सुख देने वाला, ऐसा अर्थ कर सकते हैं सुमृडी को में। उत्तम सुख देने वाला भवतु हो, वो धातु होना, भवतु हो, जात वेदा वेदों को उत्पन्न करने वाले, वेदों को जानने वाले, वेदों को उत्पन्न करने वाले, अर्थात वेद का स्वाध्याय करने वाले, सुमृडी को भवतु, उत्तम सुख वाले हूं, उत्तम सुखदायक हूं, जो वेद के स्वाध्यायी हैं, वेद को अपनाने वाले हैं, जीवन में वेद को उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्वयं सुखी हों और सबके लिए तो सुखदायी होंगे ही, स्वाभाविक है, जो वेद विद्या से, वैदिक मान्यताओं से जुड़े होंगे, जिनके जीवन में वेद का प्रकाश होगा, दिव्यता है, तो वे औरों के लिए तो सुखदायी होंगे ही, उनका जीवन भी सुखी हो, ये भी शुभकामना हमको देनी चाहिए। तो आगामी मंत्र भी ले लेते हैं, समय है। सप्तदशा मंत्र, सत्रहवां मंत्र, ओम महो अग्ने समिधानस्य शर्मणि अनागामित्रे वरुणे स्वस्तये श्रेष्ठे श्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानाम् अवो अद्यावृणीमहे। कहते हैं महो अग्ने, महान अग्नि का, महो महान स्पष्ट है, अग्ने है अग्नि का, निरंतर चर्चा कर रहे हैं अग्नि अग्रणी, अग्नि का संविधानस्य, सम उपसर्ग इध इंध धातु है, प्रकाश होना, प्रकाश करना, संविधानस्य संविधान का सम्यक
प्रकाश का, उस महान अग्नि के सम्यक प्रकाश का शरमणि, शर्म में, शरमणि का व्याकरण से देख लें सप्तमी एक वचन है। अब इस शर्म का अर्थ आप यदि देखेंगे तो शर्म को श्रु धातु से भी ग्रहण करते हैं, सुनना अर्थात श्रवण में, सुनने में, श्री श्रवण करना धातु से ही शर्म शब्द, शर्मन शब्द बनेगा, जिसका अर्थ सुनना, श्रवण में, श्रवणी का अर्थ हुआ श्रवण में, सुनने में। तो कहते हैं महान अग्नि के सम्यक प्रकाश के सुनने में यह अग्नि, जो अग्रणी परमेश्वर है, उसका सम्यक प्रकाश वेदवाणी है, उसके सुनने में। अनागा मित्रे वरुणे स्वस्तये, अनागा अन उपसर्ग निषेध अर्थ में है, आ और अन दो उपसर्ग निषेध नकारात्मक अर्थ में होते हैं। सामान्यतः हम लोग कहते हैं आ का अर्थ नहीं, अन का अर्थ नहीं। व्यंजन से पूर्व आएगा तो आ आएगा, अकर्मणी अकर्म आ, और स्वर से पूर्व आएगा तो अन आएगा, उसमें व्यंजन आ जाएगा क्योंकि उसके पश्चात स्वर आता है। तो इस प्रकार से इसके प्रयोग हैं। अनागाह अन आगाह इस प्रकार करेंगे तो अन उपसर्ग होगा और आगाह शब्द है जिसका अर्थ हमें करना होगा। आ उपसर्ग मानने पर नागाह शब्द स्वीकार करना होगा, हमें उसका अर्थ खोजना पड़ेगा। इसमें अन उपसर्ग निषेध अर्थ में है, अग धातु का अर्थ गति करना, कुटिल गति होना आदि भी। देखिए अग धातु से अग्नि भी बन रहा है, भ्रम में न पड़, इसको स्पष्ट करना आवश्यक था, अन्यथा ये भ्रम हो सकता था कि अग्नि में भी अग धातु बता रहे हैं उसका क्या अर्थ कर रहे हैं और यहां क्या कर दिया। अग धातु का अर्थ सामान्य गति करना तो है, इसमें कुटिल गति करने का एक विशेष अर्थ भी है। बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि अग धातु का अर्थ कुटिल गति है, परंतु बहुत से विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि अग धातु में सामान्य गति का भाव है, कुटिल गति भी है, यह ठीक है। तो यहां पर अग धातु का अर्थ गति करना, कुटिल गति करना, आप ग्रहण करना, ये अर्थ भी ग्रहण किए गए हैं। तो अन आगाह का अर्थ है कुटिलता रहित, अकुटिल। सामान्यता हो सकता है कहीं कहीं आपको ये पढ़ने सुनने को मिले, इस आगाह को कुछ पाप अपराध जैसा अर्थ दिया गया और अनागाह का अर्थ हुआ निष्पाप। यह भावार्थ है जो स्वीकार्य हो सकता है। अकुटिल शाब्दिक अर्थ हुआ, कुटिलता पाप है, अकुटिल होना निष्पाप होना है, यह अर्थ स्वीकार्य। मित्रे वरुणे स्वस्तये, मित्र में, वरुण वर्णीय में स्वस्तये, स्वस्थ के लिए, कल्याण के लिए, शुभकामना के लिए।
श्रेष्ठे श्याम, हम श्रेष्ठता में हो, सवितु सभी मणि। सवितु अर्थात सविता का यह षष्ठी एक वचन है, सवित्र शब्द है, इसे पितृ शब्द है, पितु बनता है, ये सवित्र शब्द है, सवितु षष्ठी एक वचन है सविता का। अब ये सवित्र सविता का अर्थ सुधातु से होगा, सुधातु का अर्थ है सृजन होना, ऐश्वर्य होना, तो सृजनशील ऐश्वर्यवान के सभी मणि, उसके सृजन में, सभी मणि का अर्थ भी वही हुआ ऐश्वर्य सृजन प्रेरणा में, सुधातु इसमें भी है। तत् वह देवा नाम देवों में अवो रक्षक, या देवों का रक्षक, देवा नाम षष्ठी है तो देवों का अर्थ तो है ही, देवों का रक्षक अद्या वृणीमहे, अद्या अद्य आज वृणीमहे वर्ण करते हैं। इन दोनों ही मंत्रों में एक सामान्य सा भावार्थ आप इतना ही ग्रहण कर लें, से शब्दों को जितना समझ सके उत्तम है। कुल मिलाकर उस अग्नि अग्रणी परमेश्वर की स्तुति की जा रही है, उसके विविध गुणों का वर्णन किया जा रहा है, सुख के लिए, शांत के लिए, कल्याण के लिए कामना की जा रही है। इस भाव को हमें इस मंत्र से ग्रहण करना चाहिए। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं, आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खम गुरु जी, ये जो अपग्रहण शब्द आया है तो इसका हम क्या अर्थ लेंगे, ये थोड़ा समझा दीजिए। जी, अग धातु को समझना आवश्यक है, क्योंकि अग धातु से अग्नि शब्द परमेश्वर के अर्थ में सभी विद्वानों ने ग्रहण किया है, तो वहां तो उसका सकारात्मक अर्थ है। इसको मंथन किया तो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने बहुत स्पष्ट किया कि अग धातु का अर्थ गमन मात्र में, अर्थात प्रत्येक गति में अग धातु का अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु कुटिल गति में भी ग्रहण किया जाता है, यह ठीक है। ऐसा कहना कि केवल कुटिल गति में इसका अर्थ किया जाएगा, यह ठीक नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। ये बात हमें पुनः कहनी पड़ी जिससे आपका जो मूल प्रश्न है वो और स्पष्ट हो सके। अर्थात अग धातु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, प्रसंग के अनुसार स्वीकार किया जाता है। ग्रहण करना लेना तो उस अर्थ में इसका अर्थ हो जाएगा ग्राही, गुणग्राही। जब हम अग्नि परमेश्वर को कहते हैं, समाज के अग्रणी विद्वान को कहते हैं, तब वो अग्रणी है, प्रगतिशील है, गुणग्राही है। जब निषेध नकारात्मक अर्थ में इसका प्रयोग होगा तब कहते हैं कि वो कुटिल गति करने वाला, अपग्रहण करने वाला। तो अपग्रहण का अर्थ वही हुआ कुटिलता से ग्रहण कर लेना, छीन लेना, जिसे हम कह सकते हैं। एक हुआ कि सम्मान पूर्वक किसी ने दिया और हमने ग्रहण कर लिया, और एक है कि हमने कुटिलता से किसी चीज को पा लिया, एक प्रकार से छीन लिया, छल बल से प्राप्त कर लिया, तो इसको अपग्रहण कहते हैं। अप उपसर्ग है जो इस प्रकार के नकारात्मक भावों को ग्रहण करता है। अपकर्म, अपकार्थ एक निम्नता का भाव, निचता का भाव लिए हुए होता है, तो कहीं भी अपग्रहण का अर्थ हो गया कि निम्न तरीके से निजता के साथ ग्रहण कर लेना, कुटिलता के साथ ग्रहण कर लेना, ये अपग्रहण का शाब्दिक अर्थ है। ये हमने प्रयास किया, ये पूरा प्रसंग आपको ही नहीं, आपने प्रश्न किया, अच्छी बात है, सभी मित्रों को ये स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अग्नि सूक्त हमने बहुत से पढ़े, अग्धात से अग्नि शब्द को हमने समझा, और ये अनागा शब्द में ये अग्धात जो आ रही है,
ये निषेधात्मक कह सकते हैं, नकारात्मक अर्थ में आ रही है, तो ये हमें इस बात को समझना महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने थोड़ा इसको भी लेकर आपको बताया। हो सकता है आप समझ गए हों, अन्यथा कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी देते हैं पाठ आदि होगी। आप पुलकित बोलो। गुरु जी, जैसे संविधानस्य शब्द आया है तो इसमें सम तो उपसर्ग हो गया, अब बचा क्या इधानस्य। तो गुरु जी, इसमें जैसे न नहीं आ रहा है बीच में, तो ऐसे ले सकते हैं क्या इंद धातु? माइक शायद बंद है गुरु जी आपका। संविधानस्य में सम उपसर्ग हुआ और उसके पश्चात जो शब्द बचा वो है इधान। स्या तो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन में स्या लगता है ना, तो सम उपसर्ग हटाइए और स्या विभक्ति हटा दीजिए, तो बीच में जो शब्द बचा वो है इधान। इधान में इध तो धातु है और शेष जो आन बचा वह भी प्रत्यय है। तो हम लोग प्रत्ययों पर अभी बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है, मूल अर्थ हमारे समझ में आ जाता। तो इध इधान में इध धातु बची, उपसर्ग हटा दिया, बात का प्रत्यय हटा दिया, बीच में जो बचा वो धातु है, इध धातु बची। अब इध धातु को समझना है, इसे जो हम लोग इंद्र शब्द बनाते हैं उसे हम बोलते हैं, ध्यान दिया हो, इदि परमेश्वर्य धातु। अब संस्कृत के परंपरा में कहते हैं इदि परमेश्वर्य धातु है, अर्थात तो इद धातु का अर्थ परम ऐश्वर्य होना है, ऐसा कहते हैं। अब ये इद क्या है, इंद्र में इद कहाँ है, कभी बताया होगा, कोई बात नहीं, प्रसंग है तो समझ लें। इदि एक तकनीकी पद है व्याकरण में, इदि का अर्थ ये होता है कि इद भी हो सकता है और इंद भी हो सकता है। दा आया है ना, तो दा वर्ग का अंतिम वर्ण जो पंचम वर्ण होगा ताथा दा धा ना, तो ई और दा के बीच में ये अंतिम वर्ण पंचम वर्ण आ सकता है ना, तो हो गया इंद। तो वो जब कोई शब्द बनेगा तो इद भी हो सकता है और इंद भी हो सकता है, तो इद धातु से इंद्र शब्द बना। वैसे ही ये इद धातु भी है, इंद भी होता है और इद भी होता है, ईंधन भी मिलेगा, ईंधाना भी मिलेगा, जैसे ईंधन अभी भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ईंधन, तो ये यही इद धातु है, इध और इंध दोनों रूपों में प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या आ गया है, समिधाना, सम्यक रूपेण इधाना, समपूर्वक इधाना, ऐसा परंपरा में कहा जाता है। सम उपसर्ग हो गया तो कहेंगे समपूर्वक इधाना, समपूर्वक इध धातु, तो इध धातु से ये समिधाना बना, सम्यक प्रकाशमान, सम्यक प्रकाश करता हुआ, और स्यातो विभक्ति है बताया। बात आपके समझ में आ गई हो या और कुछ कह रहे हो तो बता सकते हैं, बोलिए। जी गुरु जी, समझ में आ गई जी, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते, ये शब्द यहाँ पर आया सभी मनी, सभी मनी को किस तरह से लेना होगा? सभी मनी में स्पष्ट रूप से सु धातु ही ग्रहण की गई है, सु प्रसवे सु ऐश्वर्य,
सु से ही सब जो ये बना वो सु धातु से सव हुआ और ई मन प्रत्यय हो गया, तो सभी मन और षष्ठी एक वचन में ई विभक्ति जुड़ करके सभी मनी बना, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। आपने देखा होगा, हम क्षमा चाहते हैं, इस इतनी गंभीर सूक्ष्म व्याकरण चर्चा हम लोग करते नहीं है, ये शास्त्रार्थ का विषय हो जाता है, विद्वता प्रदर्शन हो जाता है। हम सामान्य विद्यार्थियों के बीच वेद का प्रकाश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इस वेद कक्षा को व्याकरण से बोझिल नहीं करते। कुछ प्रसंग आ गया, मैं भूल गया, प्रयास यही करें कि इतना अधिक हम सामान्यता प्रयास करते हैं, भाई ये उपसर्ग है वो स्पष्ट समझ में आ जाता है, उसके बाद धातु है और शब्द का अर्थ धातु पर निर्भर करता है, इतना जान ले पर्याप्त है। उसकी इतनी गंभीर व्युत्पत्ति आदि करेंगे तो बच्चे कहेंगे बोर होके भाग लेंगे। तो प्रयास करें, सभी मनी में भी सु धातु है, सु प्रसवे सु ऐश्वर्य, तो सभी मनी का अर्थ हो गया सृजनशील ऐश्वर्यवान में। इतना समझना मेरे लिए, मुझे समझता हूं कि इस कक्षा के लिए पर्याप्त होगा। ये बात पूरी हो गई हो तो अच्छी बात है। ओम, धन्यवाद स्वामी जी। जी, और कोई सज्जन कुछ कह रहे थे, कृपया बताएं। यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, कोई संकोच नहीं है। देख लीजिए पुलकित जी, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर समापन किया जाए। किसी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी ठीक है, तो समापन करते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं। नमस्ते गुरुजी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। प्रतिभा जी पहले भी जुड़ते रहे हैं, तो ठीक है, कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं इस वेद कक्षा में। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम।